encouraging words. प्रभु को धन्यवाद देता हूँ प्रोत्साहित वचन के लिए. सेकेंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 11. दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय वचन 11. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? So we heard that all things will be destroyed. तो हमने अभी सुना कि सारा संसार का चीजें जो है वो नाश होने वाला है. So what shall we do? तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? So here Peter encourages to be holy conduct and godliness. तो यहाँ पे हमें प्रोत्साहित मिलता है कि हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में मनुष्य से भक्ति मनुष्य रखना है. This world is kept for fire. ये जो संसार है ये आग में भस्म करने के लिए रखा हुआ है. As verse 9 says, God is long suffering, long patience. जैसे वचन 9 में कहा है कि प्रभु बहुत धीरज धरता है, बहुत हमसे बहुत आशा रखता है, उम्मीद रखता है. That is why the world is like Noah's time. World is telling, when will it, these things happen? These things are no change in so many years. तो इसलिए नुआ के समय में जैसे लोग बोल रहे थे, वैसे ही लोगों को लग रहा है कि ये सारे चीज़ें कभी होगी, ये अभी तक कुछ हो रहा ही नहीं है, शुरुआत से देख रहे हैं. वी शुड नॉट बी लाइक दैट पीपल. तो हम वैसे लोग नहीं होने चाहिए. वी नो दैट नोवास फ्लड डिस्ट्रॉयड दैट टाइम वर्ल्ड. तो हमें पता है कि नुआ के समय में जो बाढ़ आया था पूरे संसार को नाश होकर दिया था. दैट इज द एविडेंस दैट गॉड विल जज द सिंस ऑफ दिस वर्ल्ड ऑल्सो. तो ये वो सबूत है कि प्रभु जो है न्याय करेगा है संसार के लोगों का ऐसे. सो व्हाट शैल वी डू? तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? लिव ए होली एंड गॉडली लाइफ. तो हमें एक बहुत ही पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ एक धार्मिक व्यक्ति जीना है. दैट इज द ओनली थिंग दैट विथस्टैंड दैट फायर. तो ये एक ही जो स्वभाव है, एक ही चीज जो है वो उस दिन के लिए तैयार रहेगा. व्हाट विल मेक अस होली? हमें क्या पवित्र बना सकता है? व्हाट इज फर्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय होली? तो पहले तो ये जानना है कि पवित्र होने का मतलब क्या है. वी ऑल नो दैट होली इज टू बी सेट अपार्ट. तो हमको सबको पता है कि पवित्र होना यानी कि हमें सब लोगों से अलग रहना है. बाइबल सेज वी आर होली नेशन. तो वचन कहता है कि हम एक पवित्र देश है. वी आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड केप्ट फॉर गॉड्स पर्पस. तो हम जो है हमें अलग किया गया है संसार से प्रभु के लिए. सो हाउ आवर लाइफ शुड बी? तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? व्हाट आर द थिंग्स मेक अस अनहोली? तो ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिसको जिससे हम पवित्र नहीं होते? डू वी सेट अपार्ट फ्रॉम दैट सिंस? तो क्या हम अपने आप को वो सारे पाप से अलग रखते हैं? गॉडली मीन्स टुवर्ड गॉड. तो पवित्र यानी कि प्रभु के ओर रहना. How is our relationship with God? तो हमारा जो रिश्ता है वो प्रभु से कैसा है? How closely we walk with God? हम कितना करीबी रिश्ता रखते हैं प्रभु के साथ चलने में? Are we walking with God daily? क्या हम प्रभु के साथ प्रतिदिन चल रहे हैं? So I was thinking that walking with God means God will go forward and I will follow Him. तो मैं ऐसा सोच रहा था कि प्रभु के साथ चलने यानी कि प्रभु आगे जा रहा है और मैं उनके पीछा कर रहा हूँ. No. ये ऐसा नहीं है. It is set about all the sins from us, then godliness means we will follow God. तो इसका अर्थ यह है कि हमें सारा जो पाप है उसको अलग करना है अपने आप से जीवन से और तभी हम एक प्रभु के लिए भावता हुआ जीवन जिएंगे. That is the meaning of godliness. यही होता है कि धार्मिक व्यक्ति जीना. So whatever separates us from God, we have to set apart. तो जो कुछ भी हमें प्रभु से अलग करता है वो हमको सबको अलग करना है. दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ गॉड्स ग्रेस. और ये तभी हो सकता है कि तभी प्रभु का जो अनुग्रह हमें मिलेगा. बाइबल सेज बॉडीली एक्सरसाइज अवेल्स लिटिल. बॉडीली एक्सरसाइज. तो वचन कहता है कि जो शारीरिक रीति से जो हम कसरत करते हैं वो थोड़ी सी हमें जो है और ताकतवर बनाती है. हाउ मच वी टेक केयर ऑफ आवर बॉडीली फिटनेस.
फिजिकल फिटनेस. तो हम जो शारीरिक रीति से जो हम कसरत करते हैं वो हमें कितना तंदुरुस्त बनाती है. ड्रिंकिंग फिल्टर वाटर, हम एक बहुत ही शुद्ध पानी पीते हैं साफ. देन डेली वॉशिंग अवर क्लोज, बाथिंग, वॉकिंग, सो मेनी थिंग्स वी टेक केयर आर मच अबाउट अवर फिजिकल फिटनेस. तो प्रतिदिन हम अच्छे कपड़े पहनते हैं धोया हुआ और अच्छे नहा के हम तैयार रहते हैं, तो हम कितना ख्याल रखते हैं अपना शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए. But that body will be destroyed. लेकिन ये जो शरीर है ये नाश किया जाएगा एक दिन. What about our physical fitness, my dear brothers and sisters? तो हमारा जो spiritual, तो हमारा जो आत्मिक जो तंदुरुस्ती है उसके लिए हमें क्या करना है? Do you exercise daily with spirit? क्या हम प्रतिदिन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हम जो है कसरत करते हैं? That only will take us to heaven. तो यही है वो चीज़ जो हमको स्वर्ग में ले जा सकता है. As we heard, this life is very short. जैसे हमने सुना कि ये जो संसार में हमारा जीवन बहुत ही थोड़े समय के लिए है. We have only one life. हमें सिर्फ एक जीवन मिला है. Short life. बहुत ही छोटा सा समय है. If we live for Jesus, that will be counted. अगर हम प्रभु यीशु के लिए जिएंगे तो वो गिना जाएगा. Live for our life, that should be please God. तो हम वैसा जीवन जिए जो प्रभु को जो है प्रसन्न हो. As we heard that his coming is like coming up a thief. जैसे हमने सुना वचन में भी कि उसका आना एक चोर के समान होगा. So Matthew chapter 24 verse 42 says, you'll see. मत्तियो उसके 24 उसका 42 में हम देखेंगे. Therefore, what shall we do? तो हम देखेंगे क्या करना चाहिए हमें. वॉच देयरफॉर फॉर यू डू नॉट नो दैट आवर योर लॉर्ड इज कमिंग. मत्ती 24 उसका 43, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा. वर्स 44, देयरफॉर यू आल्सो बी रेडी फॉर द सन ऑफ मैन इज कमिंग एट एन आवर यू डू नॉट एक्सपेक्ट. तो परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जगत रहता और अपने घर में सेंक लगाने नहीं देता. सो वी हैव टू लिव आवर लाइफ टू प्लीज जीसस. तो हमें अपना जीवन को इस तरह से जीना है कि प्रभु यीशु को हम प्रसन्न करें. व्हेन ही कम्स वी शुड बी हैप्पी विद हिम. जब वो आएगा तो हम उसके साथ खुशी खुशी जाने चाहिए. वी शुड बी पीस विद हिम. तो हम उसके साथ एक शांति बनाए रहना चाहिए. वी शुड नॉट श्रिंक अवे फ्रॉम हिम. तो हम प्रभु यीशु से हम पीछे हटने नहीं चाहिए. So, Holy Spirit make us holy. तो पवित्र आत्मा जो है हमें पवित्र बनाता है. God's word make us holy. प्रभु का जो वचन है वो हमको पवित्र बनाता है. So we should daily read God's word. तो हमें प्रतिदिन प्रभु का वचन पढ़ना है. Daily obey what Holy Spirit's leading. हमें आज्ञा मानना है जो कुछ भी पवित्र आत्मा हमको कहता है. Then we will definitely meet our Lord with happiness. तो हम जरूर प्रभु से मिलेंगे बहुत खुशी से. Romans chapter 14. रोमियो उसका 12वां अध्याय. सॉरी 13. रोमियो 13वां अध्याय 11-14. रोमियो 13वां अध्याय 11-14. वी रीड. और समय को पहचान कर ऐसा ही करो इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है. क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है. रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले. जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियकटपन, न व्यभिचार और न लूचपन और न झगड़े और ढा में, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो. यस, देयर इज नो टाइम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो भाइयों बहनों, कोई हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है. डे ऑलरेडी हैज गॉन. तो जो दिन है वो बीत गया है. We are in the last days. हम एक बहुत ही अंतिम दिनों में जी रहे हैं. So what shall we do? तो हमें क्या करना चाहिए? Verse 14. Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. तो प्रभु यीशु मसीह को हमको पहन लेना है और सारे अभिलाषा का जो पूरा करने का जो उपाय है उसको नहीं करना है. Yes. People must see we are in Christ. तो लोग हमें हमारे अंदर देखने चाहिए कि हम मसीह में हैं. People should see Christ inside us. तो लोग जो है हमारे अंदर मसीह जीवित है वो हमें देखने चाहिए. My family member should see I am in Christ.
तो हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनको वो देखने चाहिए कि हम मसीह में जी रहे हैं. द वे आई टॉक विथ हिम, जिस तरह से मैं उनसे बात करता हूँ. द वे आई ट्रीट देम, जिस तरह से मैं बर्ताव करता हूँ उनसे. इट शुड शो जीसस टू देम, तो ये दर्शाना चाहिए कि यीशु मसीह है. दैट इज द मीनिंग ऑफ putting on Jesus Christ. तो यही अर्थ होता है कि यीशु मसीह को पहन लेना. Jesus Christ righteousness should be my dress. तो यीशु मसीह का जो धार्मिकता है वो मेरे कपड़े होने चाहिए. Jesus Christ righteousness will be take me to heaven. और यीशु मसीह का जो धार्मिकता है वही मुझे स्वर्ग में ले जाएगा. How is your relationship with brothers and sisters? तो हमारा जो रिश्ता है भाइयों बहनों से कैसा है? How do you treat them? तुम कैसे उनके साथ बर्ताव करते हो? Staff in the office. ऑफिस के दफ्तर में जो लोग हैं उनसे कैसे तुम बर्ताव करते हो? They should see Jesus in you. और वो लोग जो है यीशु मसीह को तुम्हारे अंदर देखने चाहिए. May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे.